फर्स्ट होम बायर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? रिबेट भी गवर्नमेंट से मिला है एज अ फर्स्ट होम बायर। फर्स्ट टाइम घर लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम आपको बताएंगे। नए घर की हाउस टूर करवाएंगे। फ्री टाइम में आराम से टीवी देख सकते हैं, फ्रेंड के साथ गपशप भी कर सकते हैं। दैट्स अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सो हमारा सरप्राइज एलिमेंट जो था वो ये है कि हमारे बैकयार्ड में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इश्यूज होते हैं। फॉर बाय अ न्यू हाउस यू हैव टू अपॉइंट। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एकदम बड़ी न्यूज आपके लिए लेके आए हैं। दैट्स वी बॉट अ न्यू हाउस। आफ्टर 5 years ऑफ हार्ड वर्क हमने कनाडा में फाइनली एक घर ले लिया है। तो हम ये वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि हमने घर कैसे लिया, क्या क्या प्रोसेस फॉलो की। तो पहले हम पूरे वीडियो में हमारे घर की हाउस टूर करवाएंगे। फर्स्ट टाइम घर लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी हम आपको बताएंगे। और फर्स्ट होम बायर के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाउस टूर के साथ। सो लेट्स डू द हाउस टूर। सो दैट्स अवर फ्रंट यार्ड एंड विद दिस ब्यूटीफुल फ्लावर एंड दैट्स अवर एंट्रेंस हियर। वेट, इसके साथ हमारा बैकयार्ड भी तो देख ले। बैकयार्ड का एंट्रेंस, दैट्स अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हमें सेपरेट एंट्रेंस चाहिए था। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा लिविंग एरिया है जहाँ पे हम फ्री टाइम में आराम से टीवी देख सकते हैं और फ्रेंड के साथ गपशप भी कर सकते हैं। तो हमारे घर में 1 लिविंग एरिया, किचन और अपस्टेयर्स 3 बेडरूम्स है। सो दैट्स आवर 6 सिटिंग डाइनिंग एरिया एंड उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमने खुद से डिजाइन किया हमारा टेम्पल। यहाँ पे हमारा किचन है और दूसरा एक एंट्रेंस भी है जो हमारा बेसमेंट एंट्रेंस है और दैट्स द इनसाइड एंट्रेंस। और दूसरा एक एंट्रेंस बाहर भी है जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सो 2 एंट्रेंस फॉर बेसमेंट। सो हमारा सरप्राइज एलिमेंट जो था वो ये है कि हमारे बैकयार्ड में पैटियो एंड स्विमिंग पूल्स है जहाँ पे हम आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हाउस की शॉर्ट टूर के बाद हम आपको बता दें हमारे ऊपर 3 बेडरूम हॉल किचन है और बेसमेंट में भी 2 बेडरूम हॉल किचन है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने घर बाय किया हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट पहले नोट कर लीजिए, उसी हिसाब से घर फाइंड कीजिए तो आपको भी आसानी होगी घर ढूंढने में। हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो ये था कि हमें सेपरेट एंट्रेंस चाहिए था बेसमेंट के लिए, तो हमारी और बेसमेंट वालों की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन हो सके। और हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमें डिटेच हाउस चाहिए था। और थर्ड कि क्वाइट नेबरहुड हो और नियर बाय में स्कूल हो और इजीली हम कम्यूट कर सके। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इश्यूज होते हैं, सो हमें लगा कि अच्छे से कहीं पे भी जाना हो तो इजी ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, बस ऐसी ही प्लेस हम फाइंड कर रहे थे। फॉर बाय अ न्यू हाउस यू हैव टू अपॉइंट मॉर्गेज एडवाइजर, रियल्टर एंड द लॉयर। तो सबसे पहले आपको मॉर्गेज एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि आपको जो अपने घर के लिए लोन अप्रूव करवानी है वो मॉर्गेज एडवाइजर बैंक के थ्रू आपकी लोन अप्रूव करवाएगा और घर आपको सर्च करने से पहले ही वो प्री अप्रूवल करवा देगा आपकी लोन। तो ये प्री अप्रूवल क्या होता है और मॉर्गेज एडवाइजर कैसे हेल्प कर सकता है वो हमने यहाँ पे लिंक डाली हुई है जिसपे हमने एक सेपरेट सा वीडियो बनाया था मॉर्गेज एडवाइजर के साथ जिसके थ्रू हमने ये घर बाय किया है। तो वो पूरा वीडियो देख के पूरा नॉलेज ले सकते हैं कि अगर आपको मॉर्गेज एडवाइजर की हेल्प चाहिए तो कैसे लगेगी, क्या प्रोसेस होगा। और अभी हम कंटिन्यू बात करेंगे कि सेकंड ग्रुप जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है रियल्टर। रियल्टर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको घर दिखाएगा, गाइड करेगा कि ये घर में फैसिलिटीज कैसी है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नेबरहुड कैसा है, आप अपनी प्राइस कितनी लगा सकते हैं, बीडिंग कितना कर सकते हैं घर के लिए। तो उसके लिए आपको रियल्टर की हेल्प चाहिए होगी। और आफ्टर ऑल थिंग्स आर डन आपको हाउस क्लोजिंग के लिए लॉयर की जरूरत पड़ेगी। तो वो लॉयर आपका पेपर वर्क करेगा और आपको हाउस ट्रांसफर करने में भी हेल्प करेगा और यस एंड जो आपका क्लोजिंग है उसमें आपको पूरा वो गाइड करेगा। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफ पीपल की आपको जरूरत पड़ेगी आपका घर बाय करने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने जो फर्स्ट घर लिया है तो उसके लिए हमें रिबेट भी गवर्नमेंट से मिला है एज अ फर्स्ट होम बायर। तो वो भी आपको एडवाइस करेंगे आपके लॉयर कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कैसे मिल सकता है।
सो इट्स बीन अ लॉन्ग 5 years जर्नी. हमने 5 years में बहुत सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है और उसी एक्सपीरियंस को करते करते हमने ये नया घर लिया है. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई भी एडवाइस चाहिए, तो आप जरूर हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका आंसर करेंगे. और साथ ही साथ आपको अगर रियल्टर या तो मॉर्गेज एडवाइजर, लॉयर, किसी की भी जरूरत हो तो आप कमेंट करें, हम आपको उसके बारे में भी गाइड करेंगे. और हम ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे कनाडा के बारे में, क्या क्या ऐसी चीज कनाडा में है, क्या घर के लिए करना चाहिए, क्या यहाँ पे आउटडोर जाना चाहिए, पूरा वीडियो हमारी चैनल पे कंटिन्यू जाता रहेगा. तो मेक श्योर यू फॉलो द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. देन वी विल बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. सी यू टिल.